तो पहली चीज हम बात करेंगे रेजोल्यूशन एंड मेगा पिक्सल इट्स मोर इन टू फीडीडियोग्राफी फ्रेंड्स आपको इसमें मिल जाएगा ट्वेल्व मेगा पिक्सल इसमें आपको फ्रेंड्स देखने को मिल जाएगा ट्वेंटी फोर मेगा पिक्सल द थिंग अबाउट मेगा पिक्सल इज मैन वाई लाइक दैट मैन हाँ तो मेगा पिक्सल के बारे में ये है कि और रेजोल्यूशन जस्ट uh, कितना पिक्सल लेता लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं बेहतर है समझे आठ मेगा पिक्सल का फुल डी एस एल आर कैमरा है ना आठ मेगा पिक्सल आठ मेगा पिक्सल्स टू फोर के वीडियो इफ यू डोंट नो हाँ तो uh, तो एक आठ मेगा पिक्सल का डी एस एल आर विल एनी डे शूट बेटर पिक्चर्स फिफ्टी मेगा पिक्सल मोबाइल फोन वाई इज दैट बिकॉज के रेजोल्यूशन तो है सही है आप ज्यादा स्केल स्केलिंग फैक्टर है ना ज्यादा हुँ. कि आप ज्यादा क्रॉप कर सकते ज्यादा वो कर सकते लेकिन आपकी लेंस भी आपका सेंसर भी उतना रिजॉल्व करने केपेबल रहना क्या तो आप मुझे हाँ तो जब आप उसको उतना दे रहे हैं उतना मेगा पिक्सल का वो दिखा रहे तो उन्हें आपकी लेंस भी वैसी रहना तो अब अगर मैं मारुति में लेके लंबोर का इंजन लगा लिया उड़ेंगे गाड़ी <laughs> जा है उसमें उतना दम है भागने का लेकिन होता ही है कि गाड़ी रोड पे नहीं रहती आप भगाए ना ऐसा उड़ जाती है ऐसा क्योंकि उसका चीज़ वैसा डिज़ाइन नहीं थी उसके एरोडायनामिक्स वैसे नहीं थे तो सेम चीज़ मेगा पिक्सल का है तो ये एक बहुत बड़ा मार्केटिंग गिमिक है और आपको ट्वेंटी फ़ोर हो जा रहा फिफ्टी हो जा रहा इतना आपके लेंस ही नहीं ले सकती उनका सेंसर कितना रहेगा फोन में इतना सेंसर तो एक इंच का भी नहीं है सेंसर एग्जैक्टली exactly, आप कैमरे के देखो इतने इतने बड़े हैं अगर आप मीडियम फॉर्मेट में चले गए तो, तो इतना बड़ा सेंसर तो जिस कैन हैपेन सो जो ऐसा समझते कि मेगा पिक्सल ज्यादा रहने से बहुत होता है तो अगर आप समझो आप दस मेगा का कैमरा है ठीक है और फुल अच्छा डी और एक है पच्चीस मेगा का मोबाइल फ़ोन तो जब आप अगर फोटो लेट्स मेक इट डू दिस टेस्ट अगर आप फोटो लिए दोनों से और सही है कि उसमें ज्यादा पिक्सल आएंगे किस में फ़ोन में लेकिन आप अगर इकोवलेंट जूम करें ठीक है यानी यहाँ भी फ्रेम सेम दिख रहा है यहाँ भी तो आपको फोन के उसमें दिखेंगे कि आपको बहुत ब्लर्ड डिटेल्स रहते ऐसा दिखता पेंटिंग करे कोई बहुत ब्लरी ब्लरी रहता वो क्यों रहता क्योंकि उनका सेंसर और उनकी लेंस उतना रिजॉल्व नहीं कर सकती जो कैमरा कर सकता तो जितना बड़ा सेंसर उतना क्लियर और बहुत साफ रहता उससे हट के भी लेंस ऑल्सो कॉन्ट सुल्लाउट क्योंकि अब आपके फ़ोन में इतने अच्छे फोटोज़ आ रहे हैं दैर इज़ अ ग्रेट इनोवेशन इन इट्स ओन वे बट इट कॉन्ट यू नो डमिश या फिर कंपीट विद द एक्चुअल कैमरा विच टेक्स टू द नेक्स्ट पॉइंट दैर इज डी एस एल आर वर्सेज सिनेमा कैमराज शुरू एग्जैक्टली exactly. DSLR is meant for इज DSLR फॉर फोटोज डीएसएल सिंगल रिफ्लेक्स कैमरा तो होता ही है कि आईना है बीच में आपके सेंसर के आईना ऐसा उठता सेंसर फोटो लेता आईना बंद हो जाता ठीक है अब उसमें खुला रख लेके वीडियो लेने केपेबिलिटीज के डाल रहे हैं जो कि अच्छे हाइब्रिड है, है, it, अच्छे हाँ, है बहुत अच्छे लेकिन अगर आपको सीरियसली वीडियो लेना है तो उसका फिर एक अलग टूल है तो जैसा मैं मारुति का बोला अब मैं मारुति में लम्बो का इंजन लगा लेके रेस करता हूँ रेस में आ जाता हूँ सब जनेबारुती के साथ रेस कर रहे लंबोर्गीनी। नहीं नहीं लम्बो ठहरा गया है मैं मारुति लेके आ गया 800. 800 में का इंजन लगा के ऐसा आ गया पूरे जने ऐसा हसेंगे टोक्यो ड्रिफ्ट गए लेकिन अरे ये क्या लाया भाई ने हाँ अपने को मालूम लंबो का इंजन है अपन खुश भगाऊंगा आज तो सबको हरा दूंगा भगाए तो क्या होता जाती गाड़ी हाँ तो तो यही है तो आप अगर आप लेकिन लंगूर अगर के हाथ में अंगूर लंगूर के हाथ में अंगूर बंदर के हाथ में बंदर डुग <laughs> तो, <laughs> तो के हाथ में डुगडी कैमरा और इससे ये भी पॉइंट याद आया कि अगर आप जबरदस्त गाड़ी ले लिया इसका मतलब नहीं कि भाई आप तेज भगाएंगे आपको चलाना भी आना पड़ता है तो चलाने आपको नॉलेज चाहिए सो अगेन द सेम सेंगो तो यही चीज है कि लेकिन अगर वही मैं वो इंजन तो अब आप समझ लो अगर लंबो का इंजन एक रेस इंजन है ठीक है तो रेस इज़ लाइक सिनेमा मैं ऐसा नहीं बोल रहा बोलूँ कि बेहतर है हाँ। लेकिन एक कैटेगरी है या ठीक है फिर एक बहुत बड़ा इंजन है जैसा रोल्स रॉयस का इंजन है जो एग्जैक्टली रेस ऑप्टिमाइज नहीं है लेकिन बहुत लोड ले सकता होने और बहुत खामोश चलना ऐसे ऐसी चीज़ें हैं राइट समझो वो अगर फोटो है तो मैं रोल्स रॉयस का इंजन लेके एक बहुत उसके टाइप की बॉडी बनाया Hmm. चलो बेंटली में लगा लिया ठीक hmm. है जमीन आसमान का फर्क है लेकिन फिर भी hmm. समझ रहे हैं आप एक कैटेगरी में रहते तो सेम चीज इसमें भी है कि डी एस एल आर हर चीज ऑप्टिमाइज है फोटो के लिए फोटो लेता ये सेव करता वो सर एवरी थिंग इज ऑप्टीमाइज फॉर अ फोटो वाइल ऑन अ सिनेमा कैमरा द कोडेक्स द शटर एंगल ओके द शटर एंगल फॉर एग्जाम्पलिज्म जैसा है एंगल इज अ अ वीडियो कैमरा थिंग एंड नॉट फोटो कैमरा थिंग सो so, ये सब चीजें आप सिनेमा के कोडेक्स है एल यू टी आप अपडे अपलोड कर सकते रियल टाइम देख सकते हिस्टोग्राम्स रियल टाइम हिस्टोग्राम्स जो कि डी एस एल में नहीं रहते मोस्टली फिर बाद में वेव फॉर्म्स रहते आई आर ई लेवल्स रहते ये पूरे वीडियो की चीज़ें हैं तो और वीडियो कैमरा में भी हाईब्रिड तो लोग बनाते नहीं लेकिन वीडियो कैमरा हालांकि इतने ज़बरदस्त लेंस इवन द डिफरेंट जैसा टी स्टॉप्स रहते टी स्टॉप्स वीडियो के रहते इन सिनेमा लेंसेज नहीं होता स्मूथ रहता के आप जब वीडियो ले रहे ना, yeah. तो ऐसी डिफरेंट इफ यू आर गोइंग सीरियसली इन टू अर फोटो और इफ़ यू आर गोइंग सीरियसली इन टू अडियो है कि वन साइज ऑल्व नहीं हो सकता ऐसा आप थोड़ा बहुत कर ले सकते लेकिन आप जब प्रोफेशनल उसमें जा रहे तो नहीं कर सकते